بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكتيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة الذين يتخذون الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون اللهم صل على محمد طویل تقریر کے لیے آمادہ نہیں ہوں مگر اس درخواست کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر غور فرمانے کی آپ کوشش کریں اور بعض ایسے مسائل تک پہنچیں جن سے ہمارا راست سابقہ ہے. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی
ये सूरह आराफ की आयत है और सूरह आराफ की 29वीं आयत है। इरशाद होता है जिस तरह से तुम्हारी इब्तिदा हुई है उसी तरह से तुम्हारी इंतहा भी होगी। जैसे शुरू किया है तुमको उसी तरह से तुमको खत्म भी किया जाए। जैसे बदा है वैसे औद है। कमा बदाकुम तऊदून, तुम उसी तरह से पलटने वाले हो। ये दो लफ्ज हैं बदा और औद, ऐन वाउदा, ये याद रखने के काबिल हैं। बदा आगाज, औद लौटना, वापिस आना, रुजू होना, मुराजअत करना। तो इसी बदा से मबदा है, उसी औद से माद, यानी मबदा जिस तरह से है माद भी है। अगर तुम बदा के कायल नहीं हो तो यकीनन औद पर भी अकीदा नहीं है, और अगर मबदा के कायल नहीं हो तो यकीनन माद को भी नहीं मानोगे। इस तरह से ये उसूल का मसला है हमारे के एक हमारा मबदा है एक हमारा माद है। उसूल दीन का आगाज मबदा, उसूल दीन का अंजाम माद, जहां आने का मकाम वापस आने का मकाम। तो हमेशा एक बात याद रखिए जिसको गालिबन कभी मैंने किसी मुनासिब मकाम पे कहा भी है कि अगर आज भी यही धुन है कि मबदा एकाएक है, मबदा इत्तेफाक है, मबदा चांस है, मबदा बेअक्ल है, अगर आज भी यही धुन है कि मबदा मादा है तो माद में रूहानियत नहीं आ सकती, फिर माद भी बातिल है। इस यही के मिट्टी से चले थे मिट्टी में मिल गए फिर उठना नहीं है। इसलिए अगर मबदा मिट्टी से शुरू हो रहा है तो माद मिट्टी है, अगर मबदा अम्र खुदा से है तो माद भी अम्र खुदा। इल्मी बहस है और इससे तवज्जो रहे। अगर मबदा में अम्र खुदा है कि अय मादे जी उठ, अय मवाद हरकत पैदा कर, अय कायनात खल्क हो जा, इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, तो ये अम्र की शान है। इन्नमा अम्रहु, अगर मबदा अम्र है तो माद भी अम्र, और अम्र से अम्र तक की हिदायत बगैर साहेब अम्र के कोई कर।
कोई साहेब आम्र चाहे। अब अगर मादे से शुरू कर रहे हो, मादे पे खत्म कर रहे हो, तो वो साहेब अमर भी उसी पस्ती का होगा। और हम आरजी हुक्मरानों को साहेब अमर कहने लगे, हम सलातीन वक्त को साहेब अमर कहने लगे, हम आरजी तख्त व ताज के मालिकों को साहेब अमर कहने लगे। और अगर नहीं अम्र इलाही रूह कमाल है, मनशाए इज़्ज़त मुताल है, अगर अम्र इलाही वजह तकवीन आलम है, तो मतलब यह है कि उसका अम्र बगैर मसलहत नहीं होगा। हकीम का अम्र है, हिकमत से खाली नहीं होगा, उसमें मकसद होगा। तो अम्र बे मकसद नहीं तो न मबदा बे मकसद है, न माद बे मकसद है, न आगाज बे मकसद है, न अंजाम बे मकसद है। तो आगाज से अंजाम तक मकसद ही मकसद है। तवज्जो से सुन रहे हैं, आगाज से अंजाम तक मकसद ही मकसद है। अगर इस सिलसिले मकासिद में कुछ ऐसे मकसद भी आ जाए जो इन मकसदों के खिलाफ हो जाए, अगर इस सिलसिले मकासिद में कोई ऐसे भी मकासिद आ जाए जिनका ताल्लुक सिर्फ मादियत से हो, सिर्फ दुनिया परस्ती से हो, सिर्फ ख्वाहिश नफ्स से हो, सिर्फ हवा व हवस से हो, तो उसके माना ये कि सिलसिले मकसद को समझने में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस सिलसिले मकासिद को समझाने के लिए उसको भेजा जिसकी तारीफ की व मा यंतिकु अनिल हवा। नारे सल्लात, वहां ख्वाहिश नफ्स ही नहीं है, वो कुव्वत नातिका है। उसको भी उसको भेजा, वो मकसद के साथ साथ चला, तकवीन आलम के साथ साथ चला, हर दौर में चला। वो कब पैदा हुआ नहीं मालूम, इतना मालूम है कि कायनात न थी, वो था। हयात न थी, वो था। अम्र इलाही ने तजल्ली नहीं की थी, वो था। और इसको समझाए कौन? अजीब इत्तफाक है, आलम इस्लाम में किसी मुसन्निफ ने भी खत्मी मर्तबत की नूरानियत से गुफ्तगू की ही नहीं। यही वजह है उलमाए इस्लाम को यह कहना पड़ा कि हमारे पास कोई हदीस नहीं है नूरानियत खत्मी मर्तबत की, कि नबी नूर है, कोई हदीस ही नहीं है। तो जाहिर है कि हदीस इसलिए न मिल सकी, इसलिए न मिल सकी कि उस बुलंदी से कोई देखने वाला न था। उस था से कोई देखने वाला न था, इसलिए हदीस न मिली। और हमको जो हिदायत की गई वो ये कि कतनी मर्तबत की खिलकत के सिलसिले में इरशाद फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, यानी जिस वाहिद इंसान को यह हक पहुंचता है कि वो गुफ्तगू करे,
उसके सिवा किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो खतनी मर्तबत की खिलकत के मुतालिक गुफ्तगू करे। और जब गुफ्तगू की तो कहा फायदा कैसे किया, तो गुफ्तगू यूं की कि इन्नल्लाह तबारक व तआला तकल्लमा बिकलिमति, एक कलेमे से कलाम किया, फसारा मुहम्मदा, वो कलेमा मोहम्मद हो गया, वो कलेमा मोहम्मद हो गया। मैंने कभी अर्ज किया था बाइबल इसी मकाम पर रुकी हुई है, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ल्ड, आगाज में कलेमा था, मगर बाइबल आगे जब बढ़ती है तो ये कह के एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड, और कलेमा खुदा था, मगर बाब मदीना इल्म ये कहता कि आगाज में कलेमा था, कलेमा मोहम्मद था। बहरहाल थोड़ी सी तवज्जो कि ये मबदा है, माद है, मबदा से लेके माद तक सिलसिले मकासिद की तकमील के लिए, उसको समझाने के लिए किसी ऐसे सिलसिले की जरूरत है कि जिसमें आपस में तजाद न हो, नबी नबी से न टकराए, नबी नबी का दुश्मन न हो, नबी नबी की बदगोई न करे, नबी नबी की गीबत न करे, नबी नबी के मरने के बाद उसके उयूब को न गिनाए। आपने देखा दुनिया कुछ और है, दुनिया कुछ और है, या एक आमिर के बाद दूसरा आमिर आता है तो वो गलतियों के दफ्तर खोल के सामने रखता है, एक के सामने दूसरा आ जाता है कोई हुकूमत करने वाला तो वो एक एक बुराई को बतलाता है, मगर नबुव्वत का सिलसिला कुछ और होता है, वहां नबी नबी की बुराई नहीं करता, नबी नबी की गीबत नहीं करता, नबी नबी की चोगली नहीं खाता, एक ही जमाने में रहते हैं। मूसा वो खिज्र व शुएब भी एक ही जमाने में है, मगर एक दूसरे के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहते। सौ सौ नबी आए मगर कभी किसी ने किसी के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की, क्यों? इसलिए कि ये वो आम्र है, ये वो आम्र है कि जहां निगाह मकसद पर है कि इस मकसद को संभालना है, इस मकसद को आगे बढ़ाना है, हर एक अपनी हद तक काम को आगे बढ़ाता है, दूसरे के हवाले कर जाता है, तो ऐसी सूरत में नबी नबी की बुराई नहीं करता। और आपको यह भी मालूम है कि नबी हम वक्ती नबी होता है, आरजी तौर पे नबी नहीं होता, वो वजीफा नहीं लेता, वो पेंशन नहीं लेता, वो बीमारी के मौके पे बेकार नहीं समझा जाता, नबी रुख्सत नहीं लेता। ये सारी चीजें अगर आपके जहन में आ जाए तो एक ऐसा ओहदे जलीला है ये मकाम अम्र इलाही कि जहां सिलसिले मकासिद को समझाने के लिए लकदर सल्ला रसूलना तत्रा, हमने लगातार रसूल भेजे, हमने लगातार रसूल भेजे, क्यों? फकत इसलिए, फकत इसलिए कि हमारे बंदे गुमराह न हो। दुनिया अपनी बुकलमूनियों के साथ, दुनिया अपनी रंगीनियों के साथ हमारे बंदों को गुमराह करना चाहती है, कभी शाही उनको अपनी गुलामी में लेना चाहती है, कभी मुलुकियत उनको अपना बंदा बेदाम बनाना चाहती है, कभी आमिरियत उन पर कब्जा करना चाहती है। ये बंदे हमारे हैं, किसी और के नहीं हैं, इसीलिए
मूसा को फिरौन के दरबार में ये कहना पड़ा था, अद्दू इलैया इबाद अल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, अल्लाह के बंदों को मुझे वापस दे दे, मैं रसूल अमीन हूँ, मैं अमानतदार रसूल हूँ। तो ये बंदों के निगरान हैं, बंदों के मुहाफिज हैं। तो इस तरह से ये हिदायत करने वाले हर दौर में रहे, हर दौर में रहे। तो अब हिदायत पाने वाले का रुख अगर हिदायत की तरफ है, हिदायत पाने वाले का रुख अगर हिदायत की तरफ है तो उसकी नजर हादी पर है। अब हादी से उसका रब्त, हिदायत करने वाले से उसकी मोहब्बत है, हिदायत करने वाले से उसे उन्स है, हिदायत करने वाले से उसे कल्बी लगाओ है। वो हिदायत करने वाले के इशारे पर जीना चाहता है, उसके इशारे पर मरना चाहता है। और यहीं से हिदायत और गुमराही के राज जाहिर होते हैं कि जो इस साहिब अम्र के इशारे पर चले वो हिदायत पाता है, जो उसकी मुखालफत करे वो गुमराही पाता है। अब आयत सूरह आराफ की है, कमा बदाकुम तऊदून, जैसे आगाज है वैसे अंजाम है। ये नहीं समझना कि मिट्टी में मिल जाओगे और खत्म हो जाओगे, ऐसा नहीं। फरीकन हदा वो फरीकन हक अलैहिम ज़लाला, उसमें एक फरीक हिदायत पाएगा और एक फरीक पर गुमराही साबित हो जाए, एक फरीक पर जलालत गुमराही साबित हो जाएगी। इसलिए साबित हो जाएगी कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना शयातीना औलिया मिन दूनिल्लाह, ये लोग शयातीन को अपना वली बनाते थे, इसलिए इनकी गुमराही साबित हो गई, साबित हो गई। और गुमान करते थे यह सबूना अन्नहुम मुहतदून, और ये समझ रहे थे कि शायद वो हिदायत याफ्ता है। तो पता चला कि गुमराही में भी एक उन्स है, गुमराही में भी एक मोहब्बत है, गुमराह होने वाले भी किसी को चाहते हैं, बेराह होने वाले भी किसी से इश्क रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हक वाले ही किसी से मोहब्बत करें, आए किसान देख रहे फरीकन हदा वो फरीकन हक अलैहिम ज़लाला, एक फरीक पे जलालत साबित हो गई। क्यों? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना शयातीना औलिया, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शयातीन को अल्लाह के से हट के वली बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, अपना मौला बनाया है, अपना मुतसर्रिफ बनाया है, अपना उलुल अम्र बनाया है, अपना साहिब अम्र बनाया है। इसलिए वो ये समझते रहे कि हम भी हिदायत याफ्ता हैं, मगर गलत है, वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वहां गुमराही साबित हो गई। तो दोनों राहों पर चलने वाले ये समझते हैं कि हम हक पर हैं, वो हिदायत की राह पर चले या जलालत की राह, यह सबून अन्नहुम मुहतदून, गुमराह होने वाला गुमान कर रहा है कि हिदायत याफ्ता वो है। मैंने तमहीद के एक हिस्से को खत्म किया, एक हिस्से को खत्म किया, अब इसके बाद कुरान मजीद में अब आप कई मकामात पर इस एक लफ्ज को तलाश करें, यानी लफ्ज बदा को, आगाज, तो आपको सूरह मरियम में ये लफ्ज मिलेगा, आपको सूरह अनहाम में ये गुफ्तगू मिलेगी, और वहां तो वाज़ह तौर पर ये इरशाद हो गया कि फकत जितमुना फुरादा, आज हमारी बारगाह में अकेले आए, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे तुमको पहली मरतबा पैदा किया था, आज हमारी बारगाह में अकेले आए। व
وَتَرَكْتُمْ مَا قَبَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور جو کچھ دنیا میں ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب تم چھوڑ آئے. آج تم ہماری بارگاہ میں اکیلے آئے نا. میں جس منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں اس سے غور, یعنی پتا اگر تنہائی کے ساتھ ہے تو عود میں بھی تنہائی ہے, اکیلا پیدا ہوا ہے تو اکیلا معاد میں آ رہا ہے, حساب کی منزل پہ آ رہا ہے. قوموں سے ایک جائی کے ساتھ پرسش نہیں ہوگی, اجتماعی طور پہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پوری سوسائٹی کو لے کے آؤ. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی اگر دین پر یقین ہے تو حساب فرد سے ہے, پوری جماعت سے نہیں ہے, پورے معاشرے سے نہیں ہے. فرد نیک بن کر جماعت کو نیک بناتی ہے. اس لیے شاید اگر عزیز سوچنے والے اس انداز میں بھی سوچیں کہ معاد کا تخیل ہی انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کی فرد کی ذمہ داری دنیا میں کیا ہے, تنہا کی ذمہ داری کیا ہے. آپ فرد سے ذمہ داری کو لے کر سوسائٹی کے حوالے نہ کیجیے. گفتگو کہیں چلی گئی, بہت دور چلی گئی. فرد سے ذمہ داری کو لے کر سوسائٹی کے حوالے نہ کیجیے, فرد سے خیرات کے مت کو چھین کر سوسائٹی کے حوالے نہ کیجیے, فرد سے آمدنی کے ذرائع کو چھین کر سوسائٹی کے حوالے نہ کیجیے, قوم کے حوالے نہ کیجیے, فرد سے زندگی کے وسائل کو چھین کر اجتماع کے حوالے نہ کیجیے, اس لیے کہ پوچھا جانے والا ایک سے ہے. اس پر غور کریں, آپ غور کریں, جیسے جیسے وقت ملے گا ہم اس کو سمجھائیں گے. یہ اگر معاد پر مسلمان کو یقین ہے, اگر معاد پر مسلمان کو یقین ہے تو پھر اجتماعی زندگی میں مسلمان کے لیے کیا فرائض ہیں اس پر بہت سوں کو غور کرنا پڑے گا. میں مذہبی تقریر کر رہا ہوں, گفتگو سیاسی نہیں ہے, مذہبی تقریر کر رہا ہوں, گفتگو سیاسی نہیں ہے اور نہ سیاست سے دلچسپی ہے. صرف کہنا اس قدر کہ ایک کو دیا ہے ایک سے پوچھے گا, قبر میں ایک کو جانا ہے, قوم پوری نہیں جاتی ہے. محشر میں ایک ہی آئے گا. اسی لیے ارشاد ہوا کہ لقد جئتمونا فرادا, آج ہماری بارگاہ میں اکیلے آئے اور پھر آئے تھے, ما نرا معکم شفعاؤکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا, کہاں ہے وہ تمہارے شریک, کہاں ہے وہ تمہارے ساتھی, کہاں ہے وہ تمہاری شفاعت کرنے والے جن پر تم کو گھمنڈ تھا, آج اکیلے آئے وہ کہاں ہے. آپ نے دیکھا وہ کہاں ہے جن پر تم کو گھمنڈ تھا, وہ کہاں ہے. تو عزیزان گرامی, مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے مبدا سے لے کے معاد تک فکر کو مسلسل رکھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک جملے سے آگے بڑھ رہا تھا
और इस मंजिल तक पहुंच चुका हूं। फिर उस जुमले तक वापस जाना है कि हर दौर में हादी आया और वो हादी आया जो साहिब अमर था। उसने दौलत को एक जगह नहीं किया, उसने पूरे मुआशरे के आमदनी के वसाइल को एक जगह नहीं किया। और जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, आज तक नदामत से सर झुका हुआ है उस कहने वाले का, कि जिसने ये कहा कि अगर ये बाग न छीनूं तो कौम को और फौज को खाने का दूंगा। वहां भी गुफ्तगु यही थी कि लो ताकि कौम के काम आए। नीयत पे हमला नहीं है, नीयत पे हमला नहीं है, तरीका फिक्र गलत है। आपने देखा इन्हें किसी एक से छीन कर यह बतलाएं कि हम सबको दें। साहिब आमर ने भी इलाही हुकूमत को अपने हाथ में लेकर औला बित तसरुफ होकर कभी इस इख्तियार को सर्फ नहीं किया। सिर्फ यही कहा कि ये दो, ये दे दो, ये तकसीम करो, ये राह खुदा में दो, ये खैरात, ये सदकात, ये जकात, ये कौम नहीं, अगर और भी देना चाहते हो यस अलूनका माजा युनफिकून, तुझसे पूछते हैं और क्या खैरात दें, कह दे कुल अफो, कह दे जो बचे दे दो। यानी मालिक खुद दे दे। पर आप समझ रहे हैं यह कुरान है, और अगर इस कुरान को सामने रख के कोई काम करना तो मसा इनको समझना है। मालिक खुद दे, यह सालू नकम माजा जो कौन तुझसे पूछते हैं अब क्या इंसाफ करें, उली लाखों कह दे जो बचे दे। नबी छीनता नहीं है। नारे सलवार। तो पहाड़ दीन में फर्द की जिम्मेदारी बड़ी है, बड़ी है। वो इज्तमाही तौर पे तो कहता है इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते, हम तुझी से मदद चाहते। वो इज्तमाही तौर पर सबके लिए दुआ करता, मगर अपनी जाती तरक्कियों के लिए पुकार रहा है रब्बी ला तजरनी फर्दन वअंत खैरुल वारिसीन, परवरदिगार मुझे किसी गैर के हवाले न करना, तू बेहतरीन वारिस है। आपने वहां तो सूरह हमने उसने दुआ की हम तेरी इबादत कर, मगर जब नफसी तरक्कियों की मंजिलें आती हैं वो आवाज देता है रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये सूरह अंबिया है। वो कह रहा है रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, परवरदिगार मैं मगलूब हो रहा हूं मेरी मदद कर। वो जब अपनी फर्दी तरक्की को देखता है तो आवाज देता है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, परवरदिगार मैं जुल्म करने वालों में से था। यहां जमा के सेरे नहीं है। अब यह मसला बड़ा तूल खिंच जाएगा, जैसा मैंने अब किया एक मुस्तकिल बहस है। कुरान इल्म, कुरान इल्म, दीन इल्म, मजहब इल्म, और इल्म को जब तक कि
ये पूरी तरह से हासिल न किया जाए, उसमें अधूरे रहकर अपनाने की कोशिश करना और उसमें इज्तिहाद की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि विकार मुस्लिम के छाया निशान नहीं। इसलिए इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, बंदगी करता है, बंदगी की राहों में जाता है, इन्फाक करता है, खैरात करता है। बचपन गुजरा उसी का बचपन गुजरा, कौम का नहीं। जवानी गुजरी उसकी अपनी जवानी गई, कौम की नहीं। ज़ईफ़ी आई वो बूढ़ा हो गया, कौम नहीं। मौत की मंजिल है उसकी मौत है, उसकी अपनी मौत है। यह तन्हाई में मदारिज तय कर रहा है और उस तन्हाई के आलम में वो एक सहारा चाहता है, वो सहारा चाहता है, वो चाहता है ऐसा सहारा हो कि बचपन से जवानी में आऊं तो सहारा न बदले, जवानी से ज़ईफ़ी में आऊं तो सहारा न बदले, ज़ईफ़ी से मौत की मंजिल पे आऊं तो सहारा न बदले, मर के कब्र में आऊं तो सहारा न बदले। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। यह गुफ्तगु मुहिम है और इस पर मुसलसल फिक्र की जरूरत है। यह कहना तो बहुत आसान है कि इंसान सब कुछ जमात के लिए करता है और इज्तमाही जिंदगी के फायदे के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता है, सही सही। वो और बुलंद मंजिलों पर भी जाता है और बेदरेक कुर्बानी देता है, मगर जिस को जिस काम के लिए पसंद कर लिया जाए, तकलीफ सबकी एक नहीं है। पूरी कौम नूह नहीं है, पूरी कौम इब्राहिम नहीं है, पूरी कौम मूसा नहीं है, पूरी कौम ईसा नहीं है। जो तकलीफ मुझे दी गई किसी नबी को नहीं दी गई, यह कतनी मर्तबत का इरशाद है। सारे मुसलमान मोहम्मद नहीं है, ये कह देना कि पूरी कौम के लिए कुर्बानी लाजिम है तो जाहिर है कुर्बानी लाजिम है उस मंजिल पर कि जहां इंसान पहले अपनी आप वो इस्लाह करे, वो जरूरी इस्लाह करे कि जहां अपने वक्त आखिर जवाबात के लिए वो तैयार हो, नेकी और बदी की राहों को पहचाने। फरीकन हदा व फरीकन हक अलैहिम ज़लाला, एक फिरके ने हिदायत पाई एक फिरका गुमराह हो। ये वही है जिन्होंने शयातीन को औलिया करार दिया था अल्लाह को छोड़कर और गुमान कर रहे थे कि वह हिदायत याफ्ता। वली बमाना करीब, विलायत गुरबत, विलायत मोहब्बत, शयातीन से मोहब्बत की
और समझते रहे कि हम हिदायत याफ्ता हैं, तो हिदायत पाने वालों ने भी उनसे मोहब्बत की कि जिनके मुताल्लिक उनको यकीन था कि ये सहारे बदलेंगे नहीं। मेरी यही गुफ्तगू थी, मैं फिर मुसलसल हो गया। हम एक मुस्तकिल सहारा चाहते हैं। कौमें बदलती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, मिजाज बदलते हैं, सियासत की राहें बदलती हैं, सोचने के तरीके बदलते हैं, अफकार मुतगैर हैं, मगर हम वो सहारा चाहते हैं कि जिसमें तगैर न हो, जिसमें तगैर न हो, और वो सहारा वो हो कि मबदा से लेके माद तक साथ हो। अब पूरी गुफ्तगू समझ में आ गई। वो सहारा मबदा से लेके माद तक साथ हो। कम से कम 1400 बरस से तो मुसलमान उसी एक सहारे को थामे हुए हैं ना। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है ना। क्या क्या आलम पे छाई हुई हुकूमतें, क्या हफ तकलीम को मुसक्कर करने वाली ताकतों ने भी कभी यह ख्वाब देखा था कि कलमे के दूसरे जुजो को हटाकर अपना नाम लिख दे? क्या कभी इस किस्म का किसी ने ख्वाब देखा? कोई चंगेजियत, कोई हलाकुइयत, कोई तैमूरियत, किसी ने यह ख्वाब देखा था? नहीं, इम्कान में न था। तो पता चला हदें हैं हर एक की। वो सहारा बदलने वाला नहीं है, ये सब बदलने वाले हैं। नारे सलवा। तो अब जाहिर है मेरे लिए औकात अब मुख्तसर रह गए हैं, बेशर्त हयात हो, बेशर्त सेहत हो, बेशर्त तौफीक इलाही, इन्हीं मसाइल को मुहर्रम में भी पेश करना है। इसलिए मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि खुद आप भी तो सोचें, खुद आप भी तो गौर करें, खुद आप भी तो समझें कि आप किन राहों से गुजर रहे हैं। मुसलमान के लिए वाहिद सहारा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मानती है दुनिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो सहारा दिया वो जाते हुए आवाज दी, इन्नी तारे पुनसी सकल ये सहारा दी, न वो सहारा बदला न ये बदले। ये इसलिए नहीं बदले कि किताब आज तक नहीं बदली। अगर किताब नहीं बदली, मुहाफिज किताब नहीं बदला। तो जहां इतने मदारिक हो, लफ्जों पर गौर कीजिए, जहां इतने माखिज, जहां इतने सोर्सेस हो नॉलेज के, जहां इतने जखायर हो मारेफत के, वहां हम हर कस और नाकस की बात को मानने के लिए तैयार हैं। ये उनका फलसफा है, ये इनका फलसफा है, ख्याली बातों का वक्त नहीं रहा। जो हतमी है, जो यकीनी है, अब वही बात सामने है। आए दुनिया में मरना यकीनी, मौत तक हयात से एक तसलसल, बचपन से जवानी मुसलसल, जवानी से ज़ईफ़ी मुसलसल, ज़ईफ़ी से मौत मुसलसल। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, फिर मुसलसल, अब जो उठे तो फिर सफर मुसलसल, बरज़ख में तसलसल,
आराफ की मंजिल तक आ गए। बुलंदियों से किसी ने देख के पहचाना, इधर आओ। क्या कहना, तो हम उन वसीलों को ढूंढते हैं, हम उन राहों में जाते हैं। और इसी तरह से अगर मबदा सही है अम्रे खुदा के साथ तो मौत दुरुस्त, अम्रे खुदा साथ रहेगा, अम्रे खुदा साथ रहेगा। यौम नदउ कुल उनासिन बेइमाम, हम बुलाएंगे कयामत के दिन, हम बुलाएंगे इंसानों को उनके अइम्मा के साथ, उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। इस दौर का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर इकबाल को यह कहना पड़ा कि तू मीदानी के मिल्लत बे इमामा, तुझे मालूम है कि मिल्लत का इमाम नहीं है, अब इसको महशर में आना है। तो इस तरह से ये इकबाल की जिम्मेदारी पर ये शेर पढ़ा गया, ये पूरा खता है। हनूज अंदर जहां आदम गुलाम, निजाम शामो कारश ना तमाम, जकारे ना तमामे माओ चपोसी, तुम्ही दानी के मिल्लत बे इमाम। तो ये मिल्लत बे इमाम, और जहां एक नहीं होता वहां हर एक आ जाता है। जहां एक नहीं होता वहां हर एक आ जाता, और फिर जहां हर एक आए वहां एक दूसरे से क्यों ना टकराए। एक दूसरे की जिद पर क्यों ना, एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना। यही वजह है कि कार इलाही में और कार बशरी में ये फर्क पैदा हो जाता है कि वहां मकसद एक है, सिलसिले मकासिद को कायम रखने वाला एक है, यहां मकासिद मुख्तलिफ है। हर एक की हवा, हर एक की हवस, हर एक की जाती ख्वाहिश दूसरी जाती ख्वाहिशों से टकरा रही है, और ऐसी ही मंजिलों पर इंसान फैसला करते हुए घबरा जाता है, घबरा जाता है कि फैसला क्या, फैसला क्या। बहरहाल गुफ्तगू मुख्तसर नजर अगर माद पर तो काम अब भी दुरुस्त हो सकता है। ये आज की तकरीर का एक मुख्तसर सा पैगाम, अगर माद पे नजर है तो काम दुरुस्त हो सकता है। और माद को पहले समझो, अकेले जाना है, सबसे मिला के पुरसिश होगी, इज्तिमाई तौर पे उम्मत को बुलाया जाएगा, या एक एक फर्द के नामे आमाल को देखा जाएगा। ये गौर करने की बातें हैं कि अगर माद पे नजर है तो अब भी दुनिया संभल सकती है, मगर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया माद से आज भी गाफिल है, दुनिया माद से आज भी गाफिल है। और माद से गाफिल होने का नतीजा यह है कि इंसान मब्दा का मुनकिर है। यजीद ने अगर इस शेर को पढ़ा था तो यकीनन उसका नुक्ते निगाह यही था कि माद नहीं है, लाइबत हाशिम बिल मुल्क, हाशिम की औलाद नबूवत के बहाने हुकूमत से खेल रही थी। फला मलकुन जा वला वहयुन नजल, न फरिश्ता आया न वही आई। ये कौन कह सकता है, ये वह
वही कह सकता है जो माद का मुनकिर हो। माद का इनकार, मबदा का इनकार, वही का इनकार, वही का और बावजूद इसके के मुनकिर वही है। ये तारीख में तमाम मौरखीन ने लिखा है कि उसने ये कहा, ये पढ़ा इसे कि न वही आई न फरिश्ता आया, वही का मुनकिर। मगर क्या इस हकीकत को आप भूल गए कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उसका कुरान को पढ़ना जरूरी है? वो ये नहीं कहता मैं यहूदी हूं, वो ये नहीं कहता कि मैं मजूसी हो गया, वो ये नहीं कहता कि मैं दीन को छोड़ दिया, वो ये नहीं कहता कि मुझे दीन की जरूरत नहीं है। वो सर हुसैन को देख के कुरान की आयत पढ़ता है, तो इज्जो मंतशाओ व तुजिल्लो मंतशाओ बेयते कल खैर। वो कुरान पढ़ रहा है ये बतलाने के लिए कि अभी मुसलमान है, वही का मुनकिर है, कुरान का इनकार है, मब्दा व माद का इनकार है। मगर उसके जहन में यह है कि अगर मैं इस्लाम से इनकार कर दूं तो हुकूमत जाती है, इसलिए यह इस्लाम का नाम बहुत सों के लिए सहारा थार है। छोड़ते कैसे इस्लाम को? यह इस्लाम का नाम बहुत सों का सहारा था, अब भी है, रहेगा। मगर इस इस्लाम के नाम लेने वाले को बेनकाब करने के लिए फिर ज़ैनब की जरूरत है। आयत के पढ़ते ही एक मरतबा यह कहे कि महलन महला वला तक्ष जहला, रुक जा जहालत की बातें न कर। सुम्मा काना आकबतुल लजीना असाउ सुआ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाही व कानू बिहा यस्तहज़ऊन। बदतरीन अंजाम है यजीद उसका जो आयात इलाही को झुठलाए और अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाए। ये शहजादी की आवाज इस दौर में एजाज है। मैं हर मंजिल पर एप्लीकेशन चाहता हूं, मैं हर मंजिल पर इतलाक चाहता हूं। ثم كان عاقبة الذين صاروا سوءا ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون। यजीद बदतरीन अंजाम है उसका जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और उसका मजाक हो। فمهلًا مهلًا ولا تخش جهلًا, रुक जा रुक जा जहालत की बातें न कर। ونسيت قول الله عز وجل, तूने अल्लाह के कौल को भुला दिया। तू ये कहता है कि खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, मगर तूने कलाम इलाही को भुला दिया। कलाम इलाही ये कि लाओ यहसबन अल्लज़ीन कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरन लिअन्फुसहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। काफिर ये न ख्याल करें कि हमने मोहलत इसलिए दी है कि उनका काम पसंद आया। किस मंजिल पर गुफ्तगू है? काफिर ये न ख्याल करें कि जो हम मोहलत दे रहे हैं तो ये समझ के दे रहे हैं कि काम पसंद आया। नहीं, मोहलत इसलिए दे रहे हैं कि गुनाह और करो ताकि अजाब में और शिद्दत हो। बहकता क्या है?
قتل حسین کے بعد یزید اب چین اٹھ گیا فوالذی شرفنا بالنبوة والکتاب والسعادة والانتخاب خدا کی اس کی قسم جس نے ہم کو نبوت سے سرفراز اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز اس کی قسم جس نے سعادت ہمیں بخشی اس کی قسم جس نے ہم کو عزت سے نوازا لا تبلغوا غایتنا تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا لا تدرکوا امدنا تو ہمارے مدعا کو پہچان نہ سکا لا تمحو ذکرنا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے ان ایامک الا عدد و جمعک الا بدد و رأیک الا فند تیرے دن گنتی کے رہ گئے تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے تیری رائے میں فتور آ چکا ہے یزید امن العدل ابن الطلقاء اے آزاد کردہ رسول کی اولاد یہ تیرا عدل ہے تقدیروں کا حرائروں و اماق و سوقک تیری باندیاں تو پردے میں بیٹھے و پناہ تو رسول اللہ ہی سبایا اور رسول کی بیٹیاں تیرے سامنے بے پردہ کھڑی ہو امن العدل یہ تیرا عدل ہے یہ تیرا عدل ہے کہ تیری باندیاں پردے میں اور رسول زادیاں بے پردہ سامنے آتے بس گفتگو ختم ہوئی جیسے ہی شہزادی جملے پر پہنچی ایک مرتبہ یزید کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو الٹ کے ایک کنیز بے پردہ سامنے آئی یزید نے گھبرا کے کہا تجھے شرم نہیں آتی میری ناموس اور دربار میں بے پردہ آئے تو اس نے کہا یزید خاک کھڑے تیرے ناموس پر یہ تو فاطمہ کی بیٹی بول رہی ہے سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا اندوا تو محمد و آل محمد کا اور ہما کو جوار معصومین عطا ہمارے اموات کو بغدے ہمارے ظلموں پر رحم فرماؤ تعجیل فرماؤ